आज मैं कह सकता हूं कि ट्रांसपेरेंसी से जम्मू कश्मीर का वास्ता लोग ऐसा मानते थे कि है नहीं, आज मैं कह सकता हूं कि देश में कहीं से भी कम ट्रांसपेरेंसी नहीं, ज्यादा ही होगी जम्मू कश्मीर में। इसकी कोशिश की गई, जनता से जुड़ने के और भी कई कार्यक्रम किए गए हैं। एक वहां महाराजा के जमाने से दरबार मूव की प्रथा थी, वो अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को श्रीनगर से दरबार जम्मू जाता था और अप्रैल के अंतिम शुक्रवार को जम्मू से श्रीनगर जाता था। तारीख 27 अक्टूबर थी, 3-4 दिन पहले उस समय के चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि साहब उस दिन आपको सेक्रेटेरिएट चलना होगा। तो मैं गया तो मैंने देखा कि 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी। हमने पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा साहब दरबार मूव हो रहा है। तो 15-17 दिन तो काम का माहौल नहीं रहता था। लगभग 1000 कमरे श्रीनगर में 6 महीने किराए पर लिए जाते थे और लगभग 800 कमरे रेंट पर लिए जाते थे होटल में जम्मू में। तो ये तय हुआ कि भैया अगली बार जब जम्मू से श्रीनगर आना है तो कोई ट्रक नहीं आनी चाहिए। और आज मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि ऑनलाइन सर्विसेज देश में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर ही दे रहा है और देश में हम नंबर एक हैं। मध्य प्रदेश 1.5 महीने पहले तक नंबर एक था, अब हम लोग मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ चुके हैं। और एक दूसरी बात उसमें मुझे जो जोड़नी है कि ऑटो अपील मोड पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की लगभग 90% सर्विस ऑटो अपील मोड में जम्मू कश्मीर ने कर दिया है। मतलब आप सब समझ रहे होंगे, ऑटो अपील मोड मतलब किसी को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तहसीलदार को देना है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में प्रोविजन है कि 15 दिन में मिलना चाहिए, अगर 15 दिन में नहीं मिलेगा तो 16वें दिन ऑटोमेटिकली एस्केलेट करके वो SDM के पास चला जाएगा और जैसे SDM के पास जाएगा तो फाइनेंशियल पेनाल्टी तो तुरंत इम्पोज हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जांच के बाद होगा। तो अफसर के खिलाफ अफसर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेगा, अभी भारत वहां नहीं पहुंचा है लेकिन तनख्वाह से पैसा कट जाएगा, इसकी मुकम्मल व्यवस्था है, कई लोगों की कट गई। तो सामान्य रूप से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जो सर्विसेस हैं, मैं कह सकता हूं कि इसके कारण काफी आराम हुआ है लोगों को। तीसरी एक दिक्कत वहां थी लैंड रिकॉर्ड की। आप सब एक बड़ा राग दरबारी पढ़ा होगा आप में से अनेक लोगों ने, श्री लाल शुक्ल की, उसमें एक पात्र है लंगड़। लंगड़ मैंने समझ रहे हैं जिसका पैर खराब हो, एक ही पैर खराब था तो उसको लैंड रिकॉर्ड चाहिए था। वो बेचारा रेवेन्यू ऑफिस में दौड़ते दौड़ते लगा कि दूसरा पैर उसका खराब हो जाएगा तो उसने प्रयास बंद कर दिया। महाभारत में भी अगर आप देखेंगे तो अगर लैंड रिकॉर्ड, मैं मानता हूं महाभारत के समय डिजिटाइज रहा होता ठीक रहा होता तो 5 ही गांव का मसला था, महाभारत हुआ ही नहीं होता। वो व्यवस्था जम्मू कश्मीर में थी, वहां का पटवारी कलेक्टर से ज्यादा ताकतवर था और अब वो पूरी तरह से 100% डिजिटाइज हो गया है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ये तीनों लैंग्वेजेज में सबको उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस तरह के अनेक, दूसरा रैपिड असेसमेंट सिस्टम में लोगों से फीडबैक भी हम सर्विसेज का लेते हैं और उस आधार पर उसमें जो जरूरत माने जरूरी बदलाव है वो बदलाव भी हम करते हैं, क्योंकि केवल फीडबैक लें और आप उस पर कार्रवाई न करें तो फिर उसका मतलब नहीं रह जाता है। डेवलपमेंट में भी बॉटम अप अप्रोच को अपनाने की कोशिश की गई है ताकि योजनाएं दफ्तर में नहीं जमीन पर तैयार हो सके। और पंचायती राज व्यवस्था ये सच है कि देर से वहां लागू हुई, वहां ये जिला पंचायत या DDC का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आज मैं ये संतोष से कह सकता हूं कि फंड फंक्शन और फंक्शनलिटी तीनों जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर किए गए शायद कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको किसी। अनेक प्रोजेक्ट इससे काम पूरे हुए हैं,